यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। गांवों का विकास तभी होगा जब वहां की पंचायत तकनीक से लैस होगी, कृषि या दूसरी सभी योजनाओं की जानकारी गांव के लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगी। पंचायत के विकास में ग्राम प्रधान की क्या भूमिका होती है, कैसे पंचायत को मजबूत बनाया जा सकता है, गांव के विकास में ग्रामीणों की सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस विशेष रिपोर्ट में। पंचायतें हमारा आधार है, क्योंकि भारत गांवों का देश है। ऐसे में पंचायत के विकास पर ही गांव की तरक्की निर्भर करती है, क्योंकि सरकारी योजनाएं पंचायत के विकास के लिए बनती है और फिर गांव की तस्वीर बदलने का प्रयास किया जाता है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसीलिए सरकार लगातार गांव के सर्वांगीण विकास करने वाली योजनाएं बनाती है, जिनके माध्यम से गांवों में बदलाव लाया जाता है। पंचायत विकास का मतलब है कि सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी योजना का लाभ मिले और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। कहीं ना कहीं एक डिमांड फॉर डेवलपमेंट यानी विकास की मांग को उत्पन्न होते हुए मैं देख रहा हूँ। अब गांव स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो उनकी निर्भरता आसपास के शहरों पे या शहरी इलाकों पे थी उसे खत्म करना चाहते हैं। लोग अब गाँव में रह के भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और उसे हासिल कर रहे हैं। तो एक मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, जो पहले का पंचायत होता था और आज की जो पंचायतें हो रही हैं। दूसरा एक फर्क मैं देख रहा हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। पहले गांव में कोई भी अच्छा काम बनाता था या गांव में कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम पहुँचानी होती थी, सरकारी सुविधा पहुँचानी होती थी, तो वो शहरों से चल के गाँव तक पहुँचती थी। पर अब कहीं ना कहीं गाँव अपने आप में खुद का एक गवर्नेंस सेंटर बन के उभर रहे हैं और पंचायत का उसमें बहुत अहम भूमिका है। ग्रामीण विकास को लेकर कई योजनाएं बेहद अहम रही हैं, जिन्होंने पंचायतों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। मनरेगा योजना से रोजगार और गांव से होने वाला पलायन पर कमी आई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कनेक्टिविटी में सुधार आया, आवागमन की सुविधा मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का काम किया। स्वच्छता अभियान जैसी योजनाओं ने गाँव की साफ सुथरी तस्वीर पेश की। ग्राम पंचायत विकास योजना से विकास को लेकर सहभागिता बढ़ी। स्वामित्व योजना से पहली बार मालिकाना हक मिला, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं थी। आयुष्मान सहकार योजना से पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना और अंत्योदय योजना से देश भर की पंचायतों में विकास को बढ़ावा मिला है। विकास में समानता हो, संतुलन हो, इसके लिए जरूरी है सहभागिता की। सहभागिता यानी गाँव के लोग मिलकर विकास का खाका तैयार करें, योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंचे इसकी रूपरेखा तय। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद जागरूक, आपको पता हो कि आपके पंचायत को कितना पैसा मिला है, प्रधान की भूमिका क्या है, तभी विकास में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। जो स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट बना के हम लोग गांव की महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाह रहे हैं, वो एक काफी सराहनीय योजना है। स्किल डेवलपमेंट पे जो खासा जोर दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीमें हो, चाहे राष्ट्रीय प्रदेश सरकार की स्कीमें हो, तो उसमें काफी बदलाव हमें गाँव में युवाओं के रोजगार के माध्यम से, उनके जीवन को एक सही दिशा देने के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही में मेरा मानना है कि हेल्थ पे, स्वास्थ्य में गाँव में जो कई सारी स्कीमों के माध्यम से, चाहे वो आशा आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें हैं उनका कॉन्सेप्ट हो, या जो धीरे धीरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है, तो ये कुछ 3 से 4 ऐसे अहम पहलू हैं, ऐसी कुछ पहलू है जिनके अराउंड कुछ ऐसी योजनाएं बनी हैं जो वाकई ग्राम विकास में गेम चेंजर का रोल प्ले कर रही हैं। आपकी पंचायत को कितना पैसा मिला, ये eGramSwaraj.gov.in पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। पहले आप eGramSwaraj.gov.in ओपन करें, प्लानिंग रिपोर्टिंग सेक्शन में जाकर चेक करें। अब सबसे अहम यह है कि ग्राम प्रधान की जवाबदेही कैसे तय हो, क्योंकि पंचायत का विकास प्रधान की जागरूकता और सतर्कता पर निर्भर करता है, इसलिए उसकी जवाबदेही जरूर तय करें। हर राज्य में अलग अलग हेल्पलाइन नंबर है, जिसकी मदद से आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। आसानी से ग्राम प्रधान की शिकायत ऑनलाइन और ऑफलाइन दर्ज कर सकते हैं। आप उप जिलाधिकारी यानी कि SDM के पास भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। RTIonline.gov.in के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि पंचायत में पारदर्शिता रहेगी तो विकास